नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चाया चैनल पे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में अपन जानेंगे SIP इन्वेस्टमेंट और लमसम में कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। SIP इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों के ही अलग अलग फायदे होते हैं। अगर सही टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में SIP इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न लमसम इन्वेस्टमेंट दे सकता है। अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे यानी मार्केट को सही ट्रेक करके नहीं किया तो लमसम इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिटर्न भी बहुत जल्दी जनरेट करता है। आज की वीडियो में अपन इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड की ही बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं SIP इन्वेस्टमेंट क्या होता है। SIP का मतलब होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP में एक फिक्स अमाउंट, जो भी अमाउंट आप डिसाइड करोगे वो एक पर्टिकुलर डेट पे आपके अकाउंट से डेबिट होके म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसको SIP इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक ही बार में पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट करने को लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अभी अपन जानते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट और SIP इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे और नुकसान है। अगर आपके पास कैश फ्लो कंटिन्यू है, महीने की सैलरी आ रही है 15,000 रुपए, 20,000 रुपए जितने भी आ रहे हैं, उसके लिए SIP इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होता है। मान लो आपके पास एक बार में कुछ पैसे आए 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, उस पैसे को आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट भी सही ऑप्शन है। लमसम इन्वेस्टमेंट का फायदा ये है, अगर आपने लो मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आपका रिटर्न SIP से ज्यादा मिलेगा। अगर आपने हाई मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तब आपका लमसम इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिलेगा वो SIP से कम मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, SIP के अंदर आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लमसम इन्वेस्टमेंट में मिनिमम आपको 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। कुछ म्यूचुअल फंड है जो लमसम इन्वेस्टमेंट में 5,000 रुपए से कम इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं, इसलिए इस मामले में SIP लमसम से बढ़िया है। लिक्विडिटी, SIP के अंदर लिक्विडिटी अधिक होती है जबकि लमसम में लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है जब चाहो आप पैसा निकाल सकते हो। SIP के अंदर रिस्क बहुत कम होती है जबकि लमसम इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ज्यादा होती है। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे किया जाए तो उसमें भी रिस्क कम हो जाती है। लास्ट के 5 साल के अंदर कुछ ऐसा टाइम आया, उस समय अगर कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट करता तो SIP से अच्छा रिटर्न प्राप्त करता। मार्च 2020 के अंदर कोरोना आया, उस समय अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका पैसा 3 गुना हो गया होता। मई 2021 के अंदर कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, उस समय भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो आपको रिटर्न SIP से अधिक मिलता। फरवरी मार्च 2022, उसमें रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था, उसमें भी मार्केट काफी क्रेश हुआ था, उस समय भी आप अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो SIP से अच्छा रिटर्न प्राप्त करते। उसके बाद जून 2022, रिसेशन महंगाई की वजह से भी मार्केट जून 2022 के अंदर डाउन गया था, उस समय भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो आपका जो रिटर्न है वो SIP से बेटर होता। अब आपको समझ आ गया होगा कब लमसम करना है और कब SIP करना है। SIP इन्वेस्टमेंट के लिए कोई टाइम नहीं होता, जब आपको अच्छा लगे तब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मार्केट ट्रेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट में आपने गलत जगह एंट्री ले ली तो आपका रिटर्न नेगेटिव बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मेरी आपको ये सलाह रहेगी आप SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट करो। जब भी मार्केट काफी डाउन जाता है उस समय आप कुछ अमाउंट लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। SIP में जो रिस्क है वो मिनिमाइज कैसे होती है, मान लेते हैं ये जो ग्राफ है वो 6 महीने का है और आपने यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मार्केट डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन, फिर अप और यहाँ पहुंच गया, 6 महीने के बाद भी आपका अमाउंट जितना है उतना ही है, हो सकता है यहाँ से फिर डाउन रहे, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसलिए लमसम इन्वेस्टमेंट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कब आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। SIP में क्या है, आपने यहाँ SIP स्टार्ट की, फिर मार्केट यहाँ गया, यहाँ पे भी आपकी SIP है,
यहाँ पे भी आपकी SIP है। इस प्रकार जो एवरेज बनेगा आपका यहाँ बनेगा और प्रेजेंट टाइम में मार्केट यहाँ रहेगा तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके और साथ ही डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है वहां जाके आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।